नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथिक क्लिनिक के इस प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे राइटर्स क्रैम यानी कि हैंड डिस्टोनिया के विषय में और आपको इसके बारे में 10 कारगर होम्योपैथिक दवा बताएंगे जो दवाएं वास्तव में आपको इसमें आराम दे सके। क्योंकि जब किसी को राइटर्स क्रैम्प होता है तो बहुत तकलीफ होता है, वो व्यक्ति लिखने में, चाहे पियानो बजाने में, चाहे गिटार बजाने में, चाहे एक कप पकड़ने में, पतीला पकड़ने में, सब में उसको दिक्कत होने लगती है। तो आज हम आपको बताएंगे होम्योपैथी की 10 कारगर दवाएं जो आपके राइटर्स क्रैम्प को दूर कर देंगी। सबसे पहले साथियों, जान लेते हैं कि राइटर्स क्रैम्प होता क्या है। बहुत कंफ्यूजन बना रहता है, किसी कभी हाथ में दर्द होता है, नस में थोड़ा सा नर्व में पेन होता है तो व्यक्ति समझता है राइटर्स क्रैम्प है। ऐसा नहीं है। राइटर्स क्रैम्प एक तरह का फोकल डिस्टोनिया होता है जो कि आपके फिंगर्स, आपके फोरआर्म, आपके हैंड, इन बॉडी पार्ट्स को इफेक्ट करता है और इसमें आपके रेगुलर काम में, लिखने के काम में, गिटार बजाने के काम में अवरोध उत्पन्न करता है। एक वर्ड हमने यूज़ करा फोकल। फोकल डिस्टोनिया वो कंडीशन होती है जब आपका ग्रुप ऑफ मसल्स अपने लाइन से हट के एक्ट करने लगे, उसमें क्रैम्प्स आने लगे, उसमें ऐठन आने लगे, उसका बिहेवियर जो है वह अनयूजुअल हो जाए। जब यह स्थिति हो जाए तो आप समझ लें कि आपको राइटर्स क्रैम्प हो सकता है और आपको इसके इलाज की ज़रूरत है। एक राइटर्स क्रैम्प साथियों होता है जो सिंपल होता है। राइटर्स क्रैम्प दो तरह का होता है, सिंपल और डिस्टोनिया। सिंपल क्रैम्प वो होता है जब एक विशेष ग्रुप ऑफ मसल्स, केवल एक ही ग्रुप ऑफ मसल्स आपकी अनयूजुअल बिहेवियर करने लगती हैं, क्रैम्प्स लाने लगती हैं एक पार्ट की मसल्स, तो वह सिंपल डिस्टोनिया होता है। और जब इसके साथ ये जो आपका एक पार्ट में क्रैम्प आया, आपका अनयूजुअल क्लैंपिंग होने लगी, अनयूजुअल आपका मसल बिहेव करने लगी और बॉडी के अन्य पार्ट्स की मसल भी उसी वक्त उसी के साथ अनयूजुअल बिहेव करने लगी, जब यह स्थिति हो जाती है तो इसको डिस्टोनिक मसल कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। तो यह हो गया साथियों, ये हो गया कि ये राइटर्स क्रैम्प होता क्या है। अब हम लोग आते हैं इसके कॉजेस पर। इसके कॉजेस में आज जो लेटेस्ट रिसर्च है वह यह बताती है कि ये कभी इनहेरिटेड कंडीशन भी होती है जिसमें DYT1 एक जीन होती है, वह इनहेरिट होती है और वह यह क्रैम्प को कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो हम कह सकते हैं DYT1 जीन्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है राइटर्स डिस्टोनिया के लिए, क्रैम्प के लिए। यह लेटेस्ट रिपोर्ट है। फिर आते हैं इसके सिम्टम्स के विषय में। इसके सिम्टम जैसे साथियों हमने आपको बताया कि कप का ठीक से ना पकड़ पाना, पतीले का ठीक से ना पकड़ पाना, गिटार ना बजा पाना, लिख ना पाना, लिखते टाइम क्रैम्प आना, चेक ना साइन कर पाना, या जो अनयूजुअल बिहेवियर सेट ऑफ ग्रुप ऑफ मसल्स का होता है, अगर इस तरह का एक पर्टिकुलर पार्ट में आपको बिहेवियर क्रैम्प्स के रूप में अनयूजुअल लग रहा हो तो आप समझ सकते हैं कि हो सकता है कि आपको राइटर्स क्रैम्प हो, डिस्टोनिया हो। अब साथियों, सबसे इम्पॉर्टेंट बात जिसके लिए शायद आप ये वीडियो देख रहे होंगे कि इसको ठीक कैसे करा जाए। इसको ठीक करने की 10 कारगर होम्योपैथिक दवाएं हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले ये बता दें कि यह दवाएं आपकी जानकारी के लिए हैं। यह एक जेनेटिक कंडीशन भी होती है और डॉक्टर को पूरा केस देके रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से दवा प्रिस्क्राइब करे बिना कोई दवा ना ले, जो दवा इस वीडियो में बताई गई हैं, हो सकता है आपका इससे भिन्न दवा आपको सूट करे तो ये दवा नुकसान भी कर सकती है। लेकिन जानकारी होना अच्छी बात है। मैं चाहता हूँ होम्योपैथी के इस आस्पेक्ट की जानकारी आपको हो कि राइटर्स क्रैम्प अगर हो रहा है तो इसके लिए होम्योपैथी में दवाएँ हैं। इतने पॉइंट को प्रूव करने के लिए यह वीडियो आपके सामने है। अब हम आपको बताते हैं इस मर्ज को दूर करने की 10 कारगर बेहतरीन होम्योपैथिक दवाओं के विषय में। सबसे पहले साथियों, सबसे इंपॉर्टेंट दवा, नंबर एक दवा, सबसे इंपॉर्टेंट दवा उस स्थिति में कि जब आपको बहुत कमजोरी के साथ आपको क्रैम्प्स आ रहे हों और आपका राइटर्स क्रैम्प मौजूद हो। अगर यह स्थिति साथियों हो तो इसकी दवा जलसीमियम है। जलसीमियम 30 दो बूंद दिन में 3 बार आप उस स्थिति में ले सकते हैं, ले सकती हैं जब आपके राइटर्स क्रैम्प हो और साथ में वीकनेस हो।
इसका जो क्रैम्प्स होता है बड़ा स्पास्मोडिक होता है, यानी स्पाज्म के साथ प्रोड्यूस होता है। इसके मरीज को प्यास नहीं लगती, उसको डलनेस, डिजीनेस, ड्राउजीनेस बनी रहती है। आमतौर पर वो थायराइड का पेशेंट भी होता है। उन स्थितियों के साथ अगर आपको राइटर्स क्रैम्प का डायग्नोसिस है, उसकी शिकायत हुई है, तो उसके लिए जलसीरियम 30 एक बहुत अच्छी दवा है जो आपकी इस तकलीफ को ख़त्म कर देगी और आपको आराम दे देगी। एक स्थिति साथी वो आती है कि जब आपके हैंड्स में, आपके फोरआर्म्स में बहुत पेन हो रहा हो, अगर यह कंडीशन आपके है कि आपके हैंड्स में बहुत पेन हो रहा हो, उसमें क्रैम्प्स आ रहे हो, राइटर्स क्रैम्प आ रहे हो, तो इसकी बहुत कारगर दवा मैकफॉस है। आप मैग्नीशियम फॉस्फेरिकम 6x पावर में, बायोकेमिक मेडिसिन 6x पावर में, 4 टैबलेट्स दिन में 4 बार लेने, यानी 4 टैबलेट सुबह, 4 दोपहर, 4 शाम, 4 रात। उस स्थिति में कि जब आपके बहुत पेनफुल डिस्टोनिया हो रहा हो, बहुत पेनफुल राइटर्स क्रैम्प आ रहे हों, और ज़रा से भी मोशन से उसमें तकलीफ बढ़ती हो, और प्रेशर देने से, उसको दबाने से उसमें आराम मिलता हो, अगर यह स्थिति आप में पाई जाए, तो आप समझ लीजिए कि आप मैकफॉस के मरीज हैं। आप मैग्नीशियम फॉस्फेरिकम 6x ले लें, आपको फ़ायदा हो जाएगा, इस बात की बहुत उम्मीद है। एक स्थिति साथियों आती है जब आपके हैंड में जर्किंग होने लगती है, जर्क्स आने लगते हैं, झटके आने लगते हैं। तो अगर झटके आने वाली स्थिति आपके हाथ में हो, उसके साथ आपके राइटर्स क्रैम्प आ रहे हो वीकनेस के साथ, तो इसके लिए स्टेनामेट 30 से बढ़िया दवा नहीं हो सकती। आप स्टेनामेट 30 2 बूंद दिन में 3 बार सुबह, दोपहर, शाम ले लें, उस स्थिति में कि जब आपके राइटर्स क्रैम्प आ रहा है और आपके जर्किंग यानी कि एकदम से झटके हाथ में पड़ रहे हैं पेन के साथ और एग्जॉशन के साथ, और पार्ट ऑफ मसल्स फटीग हो रही है, जिस स्थिति में झटके पड़ रहे हैं वहाँ आपको बहुत कमजोरी लग रही है, यह स्थिति अगर आपके सामने आए, तो स्टेनामेट 30 आप 2 बूंद दिन में 3 बार ले लें, आपकी तकलीफों में यह दवा निश्चित रूप से आराम देगी। एक स्थिति साथियों आती है कि जब जरा सा भी आप मूवमेंट हाथ का कर रहे हैं तो आपके पेन हो रहा है, थोड़ा सा भी आपने जहाँ एग्जर्शन दिया हाथ को, वहाँ उसी समय आपको क्रैम्प आने लगे। तो अगर एग्जर्शन से आपके हाथ में क्रैम्प्स आने लगे, राइटर्स क्रैम्प आने लगे, पैरों हाथों में स्पास्मोडिक मूवमेंट होने लगे, तो इसकी बहुत कारगर दवा 2 है साथियों। पहली दवा है कालीफॉस। आप कालीफॉस 6x चरचर गोली दिन में 4 बार ले सकते हैं गुनगुने पानी से। इससे आपका जो एग्जर्शन से आपकी तकलीफें बढ़ रही हैं, इसमें आराम मिल जाएगा। दूसरी दवा ऐसी स्थिति की साथियों है ब्राइनिया। ब्राइनिया 30 2 बूंद दिन में 3 बार आप उस स्थिति में ले सकते हैं। जब आपके थोड़ा सा भी काम करने से, बॉडी के उस पार्ट को जहां आपके तकलीफ है, जरा सा भी उसको एग्जर्शन देने से आपके पेन बढ़ रहा हो, तो इसकी दवा आपकी निश्चित रूप से ब्राइनिया 30 है। इसकी 2 बूंद आप दिन में 3 बार ले लें। फिर एक स्थिति आती है राइटर्स क्रैम्प में, जो क्लिनिक पे हम आमतौर पे देखते हैं कि जिस पार्ट में राइटर्स क्रैम्प आ रहा है बॉडी में, वो पार्ट ठंडा पड़ गया है, उसमें ठंडक आ गई है, कोल्डनेस महसूस हो रही है, अगर यह स्थिति साथियों आप देखते हो, तो इसकी बहुत अच्छी दवा साइलिसिया है। साइलिसिया 30 2 बूंद दिन में 3 बार आप ले सकती हैं। जब आपको बॉडी के उस पार्ट में जहाँ राइटर क्रैम्प्स आ रहा है, फिंगर्स के उन पार्ट में, वहाँ पे कोल्डनेस, ठंडक महसूस हो रही हो, और यो भी उमन आपको ठंडा ज़्यादा लगता हो, उस स्थिति में साइलिसिया बहुत अच्छी दवा है। साइलिसिया के मरीज का हथेली से और पैर के तलवे से बहुत पसीना आता है, जिससे वो अक्सर परेशान रहता है, तकलीफ में रहता है। फिर एक स्थिति आती है कि आपको राइटर्स क्रैम्प महसूस हो रहा है, बैठे बैठे राइटर्स क्रैम्प महसूस हो रहा है, और थोड़ा सा आपने वर्क करा तो आपको आराम मिला, अगर यह स्थिति आप अपने में देखते हैं, तो इसके लिए रस्टॉक्स बहुत अच्छी दवा है। आप रस्टॉक्स 1 mg पावर में 2 बूंद दिन में 3 बार उस स्थिति में ले लें कि जब आपके चलने से तकलीफें बढ़ती हों, या उस हाथ में, जिस हाथ में, पार्ट में आपके तकलीफ है, उसमें काम करने से आपको क्रैम्प और बढ़ जाता, आराम मिल जाता हो, उसमें अगर आराम मिल जाता हो, आपको वर्क करने से आराम मिल जाता हो, तो आपके लिए बहुत अच्छी दवा रस्टॉक्स 1 mg है। इसकी आप 2 बूंद दिन में 3 बार ले लें, आपका एग्जर्शन से बढ़ने वाली तक आराम मिलने वाली तकलीफ में बहुत आराम मिल जाएगा। एक स्थिति आती है कि जब आपके राइटर्स क्रैम्प आ रहा हो और आपकी उंगलियों में टिंगलिंग हो रही हो,
झुंझुनाहट हो रही हो, हल्की हल्की झुंझुनाहट हो रही हो, अगर यह स्थिति आपके राइटर्स क्रैम्प में आपको आ रही हो, तो इसकी बहुत अच्छी दवा एकोनाइट 30 है। आप एकोनाइट 30 की दो दो बूंद दिन में 3 बार ले लें तो आपकी जो उंगलियों में झंझनाहट होने वाली स्थिति है, टिंगलिंग होने वाली स्थिति है, चीटी काटने वाली स्थिति है, उन स्थितियों में बहुत आराम मिल जाएगा और आपका राइटर्स क्रैम्प ठीक होने की तरफ बढ़ने लगेगा। एक स्थिति आती है कि आपका ज़रा सा भी आपने छू दिया और आपको वीकनेस महसूस होने लगी हाथ में, राइटर्स क्रैम्प में। अगर यह स्थिति आप अपने आप में देखते हो तो इसकी बहुत अच्छी दवा स्ट्रेमोनियम है। आप स्ट्रेमोनियम 30 दो दो बूंद दिन में 3 बार उस कंडीशन में ले सकते हैं कि ज़रा से भी एक्सर्शन से, स्लाइटेस्ट ऑफ एक्सर्शन से आपको अपनी फिंगर्स में और हैंड में वीकनेस लगने लगी। ऐसा अगर होता है तो आप स्ट्रेमोनियम 30 दो दो बूंद दिन में 3 बार ले लें, आप उसमें रिलीफ पा जाएंगे। एक स्थिति साथियों राइटर्स क्रैम्प में आती है कि आपके हाथ कांपने लगते हैं। जब आपकी उंगलियां कांपने लगें लिखने में और उस समय आपको क्रैम्प आने लगे, तो इसके लिए बहुत ही कारगर दवा है एक्टिया रेसिमोसा। आप एक्टिया रेसिमोसा 30 दो दो बूंद दिन में 3 बार उस स्थिति में ले लें कि जब आपकी उंगलियों में राइटर्स क्रैम्प होने के बाद और ज़रा सा भी उसको एक्शन में रखने के बाद, काम करने के बाद, उसमें ट्रेमलिंग यानी कंपन होने लगे, तो आप इसके लिए एक्टिया रेसिमोसा 30 दो दो बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। इससे आपको निश्चित रूप से बहुत फायदा हो जाएगा ट्रेमलिंग में। और अगर आपके पूरे बॉडी में ट्रेमलिंग हो तो आप जलसीमियम 30 दो दो बूंद दिन में 3 बार ले लें, उससे भी आपको बहुत लाभ हो जाएगा। एक स्थिति साथियों बहुत देखी गई है राइटर्स क्रैम्प में, जब आपका जो राइट थंब होता है इसमें आपको पेन शुरू हो जाए जैसे ही आप कोई भी वर्क करना शुरू करें। तो अगर आपके राइट थंब में पेन हो रहा है, ये थम्स अप का आपके लिए ऑल द बेस्ट का एक सिग्नल भी हमारी तरफ से है कि आप जल्दी ठीक हों, ऐसा हम दुआ करते हैं। तो जब आपके राइट थंब में राइटर्स क्रैम्प के दौरान वर्क करने में पेन हो रहा हो, तो इसकी बहुत ही कारगर दवा एसिड म्यूर 30 है। आप एसिड म्यूर 30 दो दो बूंद दिन में 3 बार ले लें, आपका राइट साइड का, राइट थंब का जो क्रैम्प्स का पेन है वो ख़त्म हो जाएगा और आप अपने में आराम पाने लगेंगे। एक स्थिति साथियों बड़ी रोचक आती है कि आपके राइटर्स क्रैम्प और सारी दवाएं फेल हो गई हों। हो सकता है आप इसमें से कोई दवा लिए हों कभी और वो काम ना करी हो। तो जब कोई भी दवा काम ना करे तो इसकी एक कारगर दवा हो सकती है आपके लिए, वह है जिंकम मेट। जिंकम मेट मिटालिकम 30 दो दो बूंद दिन में 3 बार आप उस कंडीशन में ले लें जब आप पूरी तरह सारी दवाएं फेल हो गई और कोई दवा काम ना कर रही हो, तो मैं समझता हूं कि जिंकम मेट 30 आपको राइटर्स क्रैम्प में जरूर राहत दे देगी। ये कुछ दवाएं थी साथियों आपके लिए, बेहतरीन दवाएं थी आपके लिए राइटर्स क्रैम्प यानी कि हैंड डिस्टोनिया के विषय में। अगर आपके कोई भी क्वेरी आपके मन में जाग रही हो तो आप हमारे नोटिफिकेशन पैनल में अपना क्वेरी लिख सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि आपको संतोषजनक जवाब आपकी बात का दे सके जो आपके फायदेमंद हो। या फिर अपना व्हाट्सएप, हमारा व्हाट्सएप नंबर 9415786380 है, इस पर आप अपनी क्वेरी व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको संतोषजनक जवाब देने का प्रयास किया जाएगा। ये एक हमारा प्रयास था होम्योपैथी को आपके करीब लाने का। अगर आपको यह प्रयास पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को शेयर करिए ताकि अन्य लोगों को भी यह जानकारी मिल जाए, और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल बटन नीचे लगा हुआ है उस पर प्रेस कर दीजिए ताकि सबसे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आपका इतनी देर हमारे साथ रहने के लिए, हमारा साथ देने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।